टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को छोड़ के बाकी किसी भी बोर्ड को जो फॉर्मूला नजम सेठी ने दिया है कि आप आइए, आप चार मैचेस हमारे यहाँ खेलिए, उसके बाद आप चले जाइए, वो किसी भी बोर्ड को कोई तकलीफ नहीं, हो। नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि टेक्निकली जो इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है राहुल, उसमें इंडिया को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की टीम वहां नहीं जा रही है, टूर्नामेंट वहां पर नहीं हो रहा है, और चार मैच हुए उसके बाद आप कहीं और चले गए, वो exactly. वहां तक वाजिब था। पर अब जो नई बात आ रही है कि सुपर फोर के भी दो मैच पाकिस्तान में जाएंगे, वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी एक स्टंबलिंग ब्लॉक बन जाएगा। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रिकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि भारतीय मीडिया की जानिब से दी जा रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई ने आईपीएल फाइनल के दौरान बाकी बोर्ड्स को भी इन्वाइट किया था, जहाँ पर उन्होंने एशिया कप के हवाले से मीटिंग करनी थी और इसका फैसला करना था, जिसमें ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पहले चार मैचेस खेलने की तजवीज़ दी थी कि वो अपने पहले चार मैचेस पाकिस्तान में खिलाएंगे और बाकी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, मगर अब पाकिस्तान कह रहा है कि सुपर फोर के दो मैचेस भी पाकिस्तान में होने चाहिए, जिस पर बीसीसीआई को इतराज़ है। विक्रांत गुप्ता इस खबर के बारे में क्या कहते हैं, खुद विक्रांत गुप्ता की जबान ही सुने, मगर उससे पहले अगर आप ही हैं क्रिकेट के फैन तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये बड़ी खबर फिलहाल निकल कर आई है कि जो खबरें आ रही थी कि जी बीसीसीआई ने हाँ कर दी है, वो गलत थी। बीसीसीआई की हैट ने ये बताया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबर्स को जो यहाँ पर आए थे, कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल की फेवर में नहीं है। अब सवाल यह है राहुल की आगे क्या एशिया का बचाया जा सकता है, अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है? तो मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते या फिर कमिंग दिस वीक, अब हफ्ता शुरू ही हो गया, खैर एक आध हफ्ते में आपके पास ACC की मीटिंग होगी, उसमें ये बात वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि जैसे आपने साफ तौर पे ये बात क्लियर कर दी है कि जो आज कन्वे किया है वो BCCI ने या फिर जय शाह ने बतौर BCCI सेक्रेटरी कन्वे किया है कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। उसके बाद ये बात ACC के सामने रखी जाएगी, वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपका मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है, इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि जय शाह जो हैं वो ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, वो बोल दें भाई नहीं जाना नहीं जाना, आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। एक दो दिन पहले तो ये खबर आई थी वहां से कि जी BCCI ने हाँ कर दी है, BCCI ने हाँ कर दी है, हमें मंजूर है, लेकिन आज ये सो द पॉइंट इज आई थिंक वहां से बयानबाजी इतनी हो गई के शायद वो तलखी थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई है। ये भी हकीकत है कि जय शाह चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ही हैज टू सेव द एशिया कप, उनको एशिया कप को बचाना होगा भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि एक वक्त के बाद लोग कहें कि जी आप थे ACC चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया, तो ही वुड नेवर वांट दैट टू हैपन। जो कहा जा रहा था पिछले 20 दिन से कि आज डिसाइड, कल डिसाइड, दोपहर को डिसाइड, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने ऑडियंस को शायद अपील करने के लिए किया जा रहा था उस तरफ से। अब फिर वही बात आ गई है, कभी कभी आपको अगर अपना काम करवाना है, आपको अपनी बात मनवानी है, तो चुप रह के भी मनवाई जा सकती है। एंड आई थिंक उन्होंने शायद अपनी तरफ से ये सोचा कि इतना प्रेशर BCCI पे या जय शाह पे डाल दें कि आप BCCI भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, अब आप बच के दिखाइए। बट आई थिंक मुझे लगता है कि चार हाइब्रिड मैचों के अलावा सुपर फोर भी हो और रेवेन्यू को लेकर भी कुछ पेच है, आई थिंक वो सॉर्ट आउट होगा। मुझे अभी भी लगता है कि एशिया कप होगा, कैसे होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको इंतजार करना होगा।